आज़ादी के बाद से ही रानीखेत जिले की मांग नगर व क्षेत्र की जनता करती आ रही है। वर्तमान में प्रदेश में जो जिलों का सृजन होना है, सबसे पुरानी मांग रानीखेत की है। पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा जियो जारी कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान की सरकार ने उसको पेंडिंग में रखा और उस पर कार्रवाई नहीं करी, तो रानीखेत का जिला बनना रह गया। वर्तमान में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी रानीखेत से हैं, वो नगर व क्षेत्र की जनता की पीड़ा को समझते हैं। आज किन्हीं कारणों से उन्होंने रानीखेत की जिले की घोषणा नहीं करी, लेकिन जनता आशावान है, जनता को बहुत उम्मीद है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अति शीघ्र वे इस जिले रानीखेत जिले की घोषणा जरूर करेंगे। अगर उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में रानीखेत जिला अभी नहीं बन सका, तो आने वाले भविष्य में नगर व क्षेत्र की जनता जो है हतोत्साहित हो जाएगी और दोबारा हम इस पर सोच भी नहीं सकते कि रानीखेत जिले का सृजन कभी हो पाएगा। वर्तमान में नगर व क्षेत्र की जनता को बहुत उम्मीदें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रानीखेत के जिले की घोषणा जरूर करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने प्रदेश के सम्मानित मुखिया मुख्यमंत्री जी से सस्नेह निवेदन करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मांग को स्वीकार करें और रानीखेत जिले की घोषणा करें। अच्छा, जरा सा कुछ अपने बारे में भी तो बताइए, अपना शुभ नाम और बाकी जो 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 आपके पास दायित्व हैं उनके बारे में जरा बताइए। राजेंद्र जायसवाल, विशेष अधिवक्ता हूँ। और भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या आप? समाज में सामाजिक कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। वर्तमान में माननीय नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड विधानसभा, उनका मीडिया सलाहकार हूँ। धन्यवाद।